every sane man and every wise man ने कहा था कि मुझे मेरे मेरे जो कफन है ना उसने मेरे हाथ बाहर रखी। 11 एग्जाम्पल मुझे पता है कि मेरे बच्चों को पता चल रहा है कि एंड में कुछ नहीं होता। ये रफा दैन जो करते हैं हम, हर मुसलमान बच्चों को बताया जाता है ना अरब में, हमें यहाँ पे नहीं बताया जाता, मुझे नहीं पता। मैं ये बचपन की ट्रेनिंग थी कि रफा दैन करना है ना तो ये अल्लाह को बताना है कि मैं खाली हूँ, मैं खाली हूँ तेरे सामने। अल्लाह ऐसे खड़े होते हैं ना, नाक से नाक लगी हुई है और अल्लाह हमें ऐसे हाथ करते हैं हम कि ये अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये रफा दैन का मतलब। सो दिस इज अ बिलियनर क्या कहेगा, बैंक अकाउंट में करोड़ों रखे हैं, अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं। किस किस मुंह से हम बातें करते हैं। सो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ फिलॉसफी, एंड कोई बड़ा लफ्ज़ नहीं है फिलॉसफी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्यों आए हुए दुनिया में, बस ये फिलॉसफी है। किताबें नहीं पढ़नी विल ड्यूरेंट की, आप यू नो साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की, सिंपल कि ये जन्नत इसलिए बनी थी, बड़ी महंगी है यार, ध्यान रखिए। अल्लाह ताला ने कहा था जन्नत सस्ती नहीं है, पहुँचना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुसलमान है तो तकलीफ आएगी, नबी अलैहिस्सलाम से ज़्यादा तकलीफ आ सकती है, नबी अलैहिस्सलाम से ज़्यादा गरीब हो सकते हो, नबी अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मुसीबतें आ सकती हैं, नहीं जी नहीं आ सकती। तो फिर रोना किस बात का है, वडी कैसा क्या होगा जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ नहीं हुआ हुआ। आपको ये मुसलमान लिख के बताए मुझे था कि मेरे साथ वो कुछ हुआ है जो जो तकलीफ नबी अलैहिस्सलाम पे भी नहीं आ सकती। मैं बताता हूँ उसको फिर कि उसने कौन सा नबी पढ़ा।